प्यारे साथियों, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है बीसीसी बोर्ड की ओर से। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ऑफिशियल साइट पर जस्ट अभी एक नोटिस जारी किया गया है 22 अप्रैल 2023 का। जी हाँ, यह अभी नोटिस अभी जारी किया गया है 22 अप्रैल 2023 का। एक नहीं बल्कि दो नोटिस जारी किया गया है, एक शॉर्ट नोटिस और दूसरा जो डिटेल्स नोटिस जारी किया गया है, जहाँ ये बताया जा रहा है आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, कब से फॉर्म भराया जाएगा, तो उन्हीं का ये नोटिस है। तो चलिए डिटेल्स जानकारी जानते इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। और जैसे कोई फॉर्म आती है बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर, मैं आपको सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करूंगा, तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो सबसे पहला जो नोटिस है 22 अप्रैल 2023 का, इसे डाउनलोड करते हैं और देखते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का डेट कब से है और लास्ट डेट कब है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो है बीसीसी एली वालों के लिए फॉर्म आया हुआ है 24 अप्रैल 2023 से 17 मई 2023 तक इनके लिए लास्ट डेट रखा गया है। यहाँ दोस्तों अब बात आती है बीसीसी के, बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहेंगे कि ये बीसीसी का फॉर्म है, बिल्कुल नहीं, ये जो है बीसीसी एली वालों के लिए फॉर्म है। यानी जो अभ्यर्थी त्रिवर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा या द्विवर्षीय पैरामेडिकल एवं द्विवर्षीय फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम कर चुके हैं, वो जो है अब स्नातक अभियंत्रण, स्नातक पैरामेडिकल एवं स्नातक फार्मेसी का जो है यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। इन्हीं का जो एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, ये जो है शॉर्ट नोटिस है और डिटेल्स नोटिफिकेशन भी यहाँ जारी किया है, कौन अभ्यर्थी योग्य है, एलिजिबल है पूर्ण रूप से। इस नोटिफिकेशन में सभी कुछ जानकारी बताई गई है। फिलहाल मैं इस वीडियो में बस इतना ही ये जानकारी देने आया हूँ कि आप लोगों का फॉर्म आ चुका है, जो अभ्यर्थी योग्य है, इंटरेस्टेड है, वो अब आवेदन कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 24 अप्रैल 2023 से 17 मई 2023 इनका लास्ट डेट रखा गया है। ये जो है पेमेंट का है, आप 18 मई 2023 तक पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक होती है तो उनको सुधारने का भी मौका दिया जाएगा 19 मई 2023 से 20 मई 2023 तक। उसके बाद एडमिट कार्ड कब आएगा, फिर एग्जाम कब होगी, उनके बारे में यहाँ जो है आपको बाद में बता दिया जाएगा नोटिस जारी करके। तो जैसे कोई नोटिस आएगी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।